कोई शौक के लिए तो कोई काम के लिए, कोई घूमने के लिए तो कोई आराम के लिए बाइक्स का इस्तेमाल करता है। खासकर यंग जनरेशन में बाइक्स का क्रेज काफी ज्यादा देखने को मिलता है। इसका इस्तेमाल हर कोई अपनी सहूलियत के हिसाब से करता है। आमतौर पर सड़क पर चल रही बाइक्स में एक साइलेंसर देखने को मिलता है, लेकिन उसके बिल्कुल उलट कई स्पोर्ट्स बाइक में आप दो दो साइलेंसर भी देख सकते हैं। आमतौर पर इसका इस्तेमाल और इसका काम इंजन से निकलने वाले धुएं को फिल्टर करके बाहर करना होता है। सिर्फ इतना ही नहीं, इसका दूसरा काम इंजन से निकलने वाली आवाज को दबाना होता है। लेकिन कुछ लोग बाइक को लाउड करने के लिए साइलेंसर्स को आफ्टर मार्केट चेंज करवा लेते हैं। यानी सिंपल वर्ड्स में समझाया जाए तो कोई भी बाइक बिना साइलेंसर के अधूरी होती है, और यही वो सबसे बड़ी वजह है जिसकी वजह से मार्केट में इसकी डिमांड लगातार बनी रहती है। वहीं ये बिजनेस एक प्रॉफिटेबल बिजनेस साबित हो सकता है, बशर्ते आपके पास इसकी पूरी जानकारी होनी चाहिए। मेरा नाम चितमय लवादी है। मेरी कंपनी का नाम है विकास ऑटोमोबाइल, जो कि 1974 से एक रजिस्टर्ड फॉर्म है। मेरे ब्रांड का नाम है विश्वास। हम लोग बेसिकली 1974 से लेके अभी तक हम लोग साइलेंसर्स की बना रहे हैं सब टू व्हीलर्स के लिए, फॉर ईच एंड एवरी बाइक। साइलेंसर्स एक बाइक के अंदर या एक स्कूटर के अंदर एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। जैसे कि नंबर फर्स्ट साइलेंसर जो है वो बाइक की या स्कूटर की अपनी एक एफिशिएंसी को बढ़ाता है। नंबर सेकेंडली वो नॉइज़ पोल्यूशन को कंट्रोल करता है, जो इंजन साउंड प्रोड्यूस करता है उसको कंट्रोल करने का काम साइलेंसर करता है। थर्डली जो इंजन के अंदर से कुछ हार्मफुल गैसेस जो है वो निकलती हैं, जो कि एक राइडर को या पैसेंजर को एक हेल्थ इश्यूज ला सकती हैं, उस चीज़ को कंट्रोल करने का काम भी साइलेंसर ही करता है। साइलेंसर बनाने के लिए जो चीज़ की मेन रिक्वायरमेंट होती है वो होता है एमएस स्टील, एसएस स्टील और कैटलिक कन्वर्टर। इन कंपोनेंट्स को मोल्ड करके, इन कंपोनेंट्स के डाइज के थ्रू बनाकर ये पूरा एक साइलेंसर रेडी किया जाता है। कोई भी साइलेंसर बनाने के लिए सबसे पहले एमएस और एसएस की शीट मंगाई जाती है, उनको निबलिंग कट किया जाता है अकॉर्डिंग टू द साइज, और उसके बाद उसको मोल्ड किया जाता है। मोल्ड होने के बाद अब बाकी उसके स्टेप्स रेडी किए जाते हैं, जैसे अंदर की शीटिंग आ गई, अंदर की शीटिंग को मोल्ड करा। उसके अलावा एक पीछे के खाली पार्ट में भी तो एटलीस्ट एक साइलेंसर के अंदर 4 से लेकर 5 सर्कल्स लगते हैं अंदर, जिसके लिए भी शीट मंगा के उसको कंपोनेंट के ऊपर रेडी किया जाता है डाइस के ऊपर। रेडी होने के बाद उनको एक जाली बनाई जाती है, और जिसमें साथ में पाइप एक साथ यूज लेकर उनको अंदर पूरा एक सेट बनाया जाता है, और जिसको वेल्ड किया जाता है। उसके बाद आता है आगे पोर्शन जिसको हम कहते हैं कुप्पा। कुप्पर बेसिकली एक पीछे के ढोलकी के आगे का पार्ट होता है, उसकी भी शीटिंग आती है, निबलिंग कट होता है, सेम प्रोसीजर से वो मोल्ड किया जाता है। उसके बाद आगे आता है उसके बेंड पाइप, जिसके लिए सीआरसी पाइप मंगाया जाता है, उसकी कटिंग करके उसके बाद उसको जो है मशीन में डाला जाता है, ताकि वो मशीन में पूरा मोल्ड होके उसको वहाँ पे अटैच किया जाता है। और साथ में उस पाइप के आगे लगता है एक बुश, जो बुश बेसिकली सिलेंडर किट के अंदर घुसता है, और फ्लैंज, वो फ्लैंज के लिए भी शीट मंगा के उसको कंपोनेंट्स पे रेडी किया जाता है अलग से। जो बुश है उसको साइज़ के अकॉर्डिंगली सीएनसी के ऊपर रेडी किया जाता है। अपार्ट फ्रॉम दैट बीच में फिटिंग के लिए, एक्सल फिटिंग के लिए एक ब्रैकेट रेडी किया जाता है, वो भी शीट आती है, शीट कट होती है, उसके एटलीस्ट 8 to 10 प्रोसीजर्स होते हैं। वो प्रोसीजर से निकल के वो चीज़ निकलती है तो वो रेडी होता है, जिसको हम लोग बाद में फिर वेल्ड किया जाता है। उसके बाद आता है पीछे एंड कैप। एंड कैप जो बेसिकली पूरे साइलेंसर से जब भी पूरी जो आपका पोल्यूशन निकला, साउंड निकला, हार्मफुल गैसेस निकली, वो एंड कैप के थ्रू बाहर होना है। एंड कैप को भी सिमिलरली उसके लिए शीट आई जाती है, उसको सर्कल कंपोनेंट में पहले शिफ्ट किया जाता है। उसके बाद उसके काफ़ी 8 से 10 प्रोसेसेस के बाद उसको फाइनल करके उसके आगे भी पाइप लगा के उसको वेल्ड किया जाता है। साइलेंसर बनाने के लिए एक सबसे पहले तो मोल्डिंग के लिए हमें रूलेज बनते हैं। उसके अलावा प्रेस मशीन्स का बहुत ज़्यादा यूज़ है, जिसमें पावर प्रेसेज आ जाती हैं, जो कि स्टार्टिंग फ्रॉम 5 टन अप टू 150 टन रहता है। और अपार्ट फ्रॉम दैट बेंडिंग मशीन हो गई, जो सीआरसी पाइप्स को बेंडिंग करेंगी, मिग वेल्डिंग हो गई, आर्गन वेल्डिंग मशीन्स हो गई,
सैम वेल्डिंग मशीन्स हो गई जो कि कैटलिक कन्वर्टर को सैम वेल्डिंग करेंगी, उसके अलावा ग्राइंडर्स हो गए, मेन बेसिकली ये मशीन्स रिक्वायर्ड हैं ही हैं। सलेंसर मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट करने के लिए सबसे पहले तो आपको उसके लेबर जो मिले, अगर आप स्मॉल स्केल लेवल पे भी स्टार्ट कर रहे हैं तो आपको 7 से 8 लेबर चाहिए। उस 7 से 8 लेबर में आपको 5 स्किल्ड लेबर चाहिए जो कि प्रेसेस के ऊपर काम करेगी, पावर प्रेस मशीन्स पे काम करेगी, और साथ में मिग वेल्डिंग मशीन्स हो गई, आर्गन वेल्डिंग मशीन्स हो गई, लाइक जो टेक्निक, ये सब टेक्निकल जॉब्स हैं। और टेक्निकल जॉब के लिए आपको ऑब्वियसली स्किल्ड लेबर चाहिए। उसके बाद आता है अनस्किल्ड लेबर जो 3-4 हो जाते हैं, जिनका काम होता है लोडिंग अनलोडिंग या एक एज आ सब मशीन्स को एक हेल्पर ही, एक हेल्पिंग हैंड बन के काम करना। अगर आप स्मॉल स्केल इंडस्ट्री पे काम कर रहे हैं तो आपको 15-20 kVH का चाहिए ही चाहिए, और अगर आप मीडियम स्केल पे काम कर रहे हैं तो आपको 50-100 के बीच में चाहिए। टू व्हीलर सलेंसर मैन्युफैक्चरिंग की एक स्मॉल स्केल इंडस्ट्री लगाने के लिए आपको 30-40 लैक्स की एक इन्वेस्टमेंट चाहिए। अगर आप मीडियम लेवल पे जाते हैं तो आपको 1.5 से 2 CR की इन्वेस्टमेंट चाहिए। पिछले कई सालों से हम लोग देख रहे हैं ऑटोमोबाइल सेक्टर डे बाय डे ग्रोथ ही कर रहा है। एवरी डे हम लोग कुछ ना कुछ ग्रोथ देखते हैं ऑटोमोबाइल सेक्टर में, बिकॉज पहले एक टाइम था जब लोग साइकिल पे ट्रैवल करना पसंद करते थे, आज वो छोटे छोटे गांव में चले जाओ या कहीं पे भी आप कस्बे में भी चले जाओ तो वहाँ लोग साइकिल से उठ के अब बाइक्स पे आ चुके हैं। तो टू व्हीलर बाइक के अंदर तो डिमांड हमेशा बढ़ती ही जाएगी, और बाइक एक ऐसा सेगमेंट है कि जहाँ पे नई नई बाइक्स डेली आ रही हैं लेकिन पुरानी बाइक्स की डिमांड और ज़्यादा बढ़ती जा रही है। रीज़न बीइंग कि पुरानी बाइक चलती है एक टाइम के बाद, उसके पार्ट्स जो है ऑब्वियसली इट्स अ पार्ट तो कभी ना कभी डैमेज आउट होते ही हैं, उसकी रिप्लेसमेंट मार्केट जो है वो बहुत अच्छा डेवलप आउट कर रही है नई नई बाइक्स के साथ साथ। अगर हम प्रॉफिटेबिलिटी की बात करें तो ये एक प्रॉफिटेबल बिजनेस है, आप आराम से एक स्मॉल स्केल इंडस्ट्री भी लगा के 15 से लेके 20% तक मार्जिन बहुत ईजिली कमा सकते हैं। इस इंडस्ट्री को स्टार्ट करने के लिए सबसे पहले आपको MCD से फैक्ट्री लाइसेंसिंग लेना होगा, आपको DPEC से पोल्यूशन सर्टिफिकेट लेना होगा, उसके अलावा आपको DSI DC और फायर से NOC लेनी होगी, फायर सिलेंडर इंस्टॉल करने होंगे, उसके बाद आपको GST नंबर, आधार नंबर, पैन नंबर, सब चीज़ आपको लेनी होगी, और साथ में आपको ISO सर्टिफिकेशन ज़रूर करवानी होगी। टू व्हीलर ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री है और बहुत ज़्यादा डे बाय डे ग्रोथिंग इंडस्ट्री है, नॉट इवन इन एक्सपोर्ट, इवन अगर आप इंडिया में भी देखें तो इंडिया में भी डे बाय डे इसकी डिमांड बढ़ रही है। हर 10 में से एक कंज्यूमर के पास आपको बाइक मिलेगी ही मिलेगी, चाहे आप शहर में देख लीजिए, चाहे किसी गाँव में देखिए या किसी कस्बे में चले जाइए, आपको 10 में से एक आदमी के पास तो बाइक मिलेगी ही मिलेगी। और जिस आदमी ने बाइक ली है उसका आज नहीं तो कल उसको यूज़ करते करते उसकी वियर एंड टीयर होता ही है, उसका जो है इफ़ेक्ट आता ही है हमारी इंडस्ट्री के ऊपर। आप अपने घर से भी निकल के देखिए, जब बाहर इतने सारे होलसेल शॉप्स बनी हुई हैं, इतने सारे मिस्त्री हैं, सब लोग काम कर रहे हैं और डे बाय डे सबका काम बढ़ रहा है, इट्स अ ग्रोइंग इंडस्ट्री। आज इनसाइड इंडस्ट्री के माध्यम से हमने आपको जानकारी दी बाइक साइलेंसर मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस की, और उम्मीद है कि आप तक ये सभी जानकारियां अच्छे से पहुंच गई होंगी और आप भी इस इंडस्ट्री के अंदर अपना बिजनेस शुरू करके ना सिर्फ अच्छा प्रॉफिट कमाएंगे बल्कि आत्मनिर्भरता की ओर एक कदम अग्रसर भी होंगे। तो आज के लिए बस इतना ही, अगली बार फिर आपसे मुलाकात होगी इनसाइड इंडस्ट्री के नए एपिसोड में किसी नई इंडस्ट्रियल जानकारियों के साथ, नए प्रोडक्ट की जानकारियों के साथ और आपके लिए नए नए स्टार्टअप बिजनेस आइडियाज के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए हमारा चैनल